जालौन में भाजपा युवा मोर्चा ने बंगरा राजकीय महिला इंटर कॉलेज के ग्राउंड में रामपुरा माधोगढ़ व बंगरा मंडल का संयुक्त नमो न मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जुड़कर नव मतदाताओं को संबोधित किया। बंगरा के जीआईसी ग्राउंड में आयोजित इस सम्मेलन में भाजपा विधायक मुख्य अतिथि व ब्लॉक प्रमुख रामपुरा अजीत सिंह सेंगर बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए माधोगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन ने कहा कि युवा ही देश की दिशा व दशा को तय करते हैं। भाजपा ने हमेशा ही युवाओं को आगे लाने का काम किया है। युवा पार्टी की असली ताकत है। युवाओं को चाहिए कि मतदान करते समय उचित व सही निर्णय लें। उन्होंने कहा कि जिस और जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। साथ ही उन्होंने युवाओं के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रामपुरा ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह सेंगर ने कहा कि आज हमारा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में शक्तिशाली रूप में उभरा है। कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर राम मंदिर बनाने तक का काम मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है और ये सब आपके एक वोट की ताकत का परिणाम है। सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिससे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार परक बनाया जा सके। उन्होंने नव मतदाताओं से सोच समझ कर पहला मतदान देश हित में करने की अपील की। न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए योगेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। करते हैं कि हमें पढ़ना है। देखिए, अगर कोई बच्चा है, अगर वो अपने माँ बाप की इज्जत को मन में रखते हुए आगे बढ़ना चाहता है तो वो कुछ कर सकता है। बाकी आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। हमारे बंगरा के मंडल अध्यक्ष श्री संदीप सिंह भरत भदौरिया जी अपने छात्रों से चर्चा करने वाले हैं और हर वर्ष करते हैं। पूरे देश के लाखों छात्रों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ के उनसे परीक्षा पे चर्चा करते हैं कि हमारे छात्र कैसे योग्य हों, होशियार हों, कुशल हों, वो परीक्षा में कैसे अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें, उनसे सीधा वार्तालाप करते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हमको इस समय ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिनकी सबसे ज्यादा दृष्टि है तो युवाओं पर है। है तो उनकी प्रत्येक एक एक का ऐसी ऐसी समस्याओं का समाधान करके आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त होने से जम्मू कश्मीर हमारा पुनः अभिन्न हिस्सा बन गया है। आज जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई है, आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट हो गए हैं, आज वहां अमन चैन है। राम मंदिर जो 550 वर्षों से जिसका इंतजार था, विपक्षी कहते थे, भाजपा के लोग तो केवल राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, नारा लगाते हैं राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये कहते थे विपक्षी क्योंकि ये तो केवल वोट लेना चाहते हैं, ये मंदिर। सभी क्षेत्रवासी एवं जनपद वासियों को वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासी एवं जनपद वासियों को ग्राम पंचायत कासिमपुर गौहन प्रधान रमा कांति पत्नी गोपी कुशवाहा एवं ग्राम पंचायत सचिव शिव सागर अवस्थी की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासी एवं जनपद वासियों को ग्राम प्रधान जमलापुर जुनारदार अखिलेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव चंद्रशेखर की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासी एवं जनपद वासियों को उपेंद्र सिंह प्रजापति सहायक अध्यापक कन्या प्राथमिक विद्यालय अमखेड़ा माधोगढ़ की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासी एवं जनपद वासियों को ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नवादा नरेंद्र दीक्षित एवं सचिव चंद्रशेखर की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासी एवं जनपद वासियों को मुशाद शाह मंडल कार्यकारिणी सदस्य अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा ईटो की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासी एवं जनपद वासियों को देवेंद्र कुमार प्रजापति
ग्राम प्रधान कुरौली, पंचायती राज प्रधान संगठन, ब्लॉक अध्यक्ष कुठौन एवं ग्राम पंचायत सचिव शिवम गुप्ता की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। सभी क्षेत्रवासी एवं जनपद वासियों को ग्राम प्रधान गढ़वा अनिल पटेल की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासियों को ईटो मंडल के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष योगेश त्रिपाठी की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासी एवं जनपदवासियों को धर्मेंद्र कुमार प्रजापति, ग्राम पंचायत गोरा भूपका एवं सचिव सुमित यादव की ओर से मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासी एवं जनपदवासियों को कुंवर प्रमोद सिंह राजावत, गोहन पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर मंडल झांसी बसपा जालौन पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी गोहन की ओर से मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासी एवं जनपदवासियों को देवेंद्र सोनी, जिला पंचायत सदस्य गोहन की ओर से मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासी एवं जनपदवासियों को पूर्व सांसद एवं जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी की ओर से मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।